आज हम ये एक हिल टाउन का एक छोटा सा हट है, उसको पेंट करने जा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा हट है और पीछे कुछ इंटरेस्टिंग क्लाउड्स है। मैं पेंट करने के लिए वही अपना बेसिक पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें फ्रेंच अल्ट्रामरीन, वर्मिलियन रेड, अल्जीरियन क्रिम्सन, कोबाल्ट ब्लू, ये सब कलर्स हम यूज़ करेंगे। रेफरेंस इमेज में आप देखेंगे कि एक इंटरेस्टिंग लाइट है जो हम कैप्चर करना चाह रहे हैं। दिस इज़ नॉट एन इवनिंग, बट थोड़ा सा क्लाउड आ गए हैं, लेकिन डार्क क्लाउड है जिसकी वजह से शेड जो है, कलर जो है, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो मैं अभी पहले स्काई से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा वेट भी कर रहा हूँ इसको भी, यू नो, सो दैट जो इवनिंग के कलर जो हैं वो थोड़े से स्प्रेड आउट हो जाएं और क्लाउड में थोड़ी हार्ड लाइन्स ना आए। कोबाल्ट ब्लू मैंने हल्का सा उसको ब्लेंड कर दिया है कलर, बीच बीच में जहाँ मुझे नहीं चाहिए अभी, तो मैं उसको हल्का हल्का सा पिक कर रहा हूँ अभी। एंड नाउ आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ पर्पल कलर। ये मेरे पास सिनेलियर का पर्पल है, इसको मैंने हल्का सा ब्लूइश बनाने के लिए कोबाल्ट ब्लू हल्का सा मिक्स कर दिया है। हाफ स्क्विंटेड आईज के साथ देखेंगे तो वी कैन सी अ लाइट एक्चुअली बिहाइंड दिस। थोड़ा सा हाईलाइट अभी वाइट एरियाज को छोड़ दिया है ना, सो दैट वी कैन हैव इट लेटर ऑन। वैल्यू ऑफ ब्लू बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज है लाइट से। नाउ विल एड कलर ऑफ द हट विच इज़ टूवर्ड्स ब्लू एंड ग्रीन मिक्स, सो आई एम यूजिंग लिटिल बिट ऑफ मेरिडियन ग्रीन एंड कोबाल्ट ब्लू अगेंस्ट द वार्मर कलर्स ऑफ द फोरग्राउंड। यू नो दिस कूल कलर इज एक्चुअली क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द लैंडस्केप। स्मॉल डिटेल्स ऑन द रूफ, ये पहाड़ी छत के ऊपर जो है ये स्लेट बना रहता है, बहुत छोटी डिटेल भी नहीं रखनी है। तो इफ़ यू हैव स्टडीड योर कॉन्सेप्ट बिफोर स्टार्टिंग योर पेंटिंग, वो आपको हेल्प करेगा ऐसी स्टेज के ऊपर जो भी आप एलिमेंट बनाने जा रहे हैं उसका फॉर्मेशन किस तरह का है, उसकी ड्राइंग कैसी है, शेप फॉर्म्स कैसी है। ये वो शेडो एरियाज हैं जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रही है, क्योंकि हमने वो हल्का सा लाइट का इफेक्ट उसको दिया है तो कंट्रास्ट क्रिएट करेगा और रूफ के ऊपर जो है थोड़ा फाइनल डिटेल। Almost done now, and I think we have able to achieve the effect we were looking at, to have that light and soft kind of feel of the light. थोड़ा texture detail डालने के लिए कई बार थोड़ा बहुत strokes, not very big strokes, these are very small strokes, and it will bring a break in the painting style.
फाइनली द स्केच इज रेडी. सो नाउ व्हेन यू लुक एट इट विद द हाफ क्लोज आईज यू विल सी यू नो वार्म एंड कूल काइंड ऑफ फील. सो यू कैन सी अ स्मॉल सॉफ्ट लाइट हैपनिंग एट द बिहाइंड द क्लाउड्स एंड ऑल एंड ऑन द हट ऑल्सो. एंड थैंक यू अगेन. विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज. सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क सर्टन क्वेश्चन, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.